नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीन लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। इनकी जो न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी गेट करने के लिए वो किसी स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर डीके होते हैं। तो वो डीके जब होते हैं तो एग्जैक्टली कुछ पार्टिकल्स वो इमिट करते हैं और वो नए न्यूक्लियाई के अंदर डीके हो जाते हैं। तो सिमिलर देखिए, देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, मान लिया यहाँ पे 92 यूरेनियम 235, ये जो अनस्टेबल यूरेनियम जो आपका न्यूक्लियाई है या आपका जो स्टेबल एलिमेंट है आपका अनस्टेबल, वो एग्जैक्टली डीके हो जाएगा क्रिप्टोन में और बेरियम में, और दोनों क्या हो जाएंगे इसके लिए स्टेबल हो जाएंगे, यानी पेरेंट न्यूक्लियाई आपके डॉटर न्यूक्लियाई में डीके हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली अपने को मीन लाइफ टाइम निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो यूरेनियम के जितने भी न्यूक्लियस हैं उनका जो ओरिजिनल लाइफ टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मीन लाइफ टाइम चाहिए। तो एग्जैक्टली प्रेजेंट में जब हमने यूरेनियम फर्स्ट टाइम हमने इसको ऑब्जर्व किया, यानी टोटल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज एन जीरो। टोटल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई मतलब क्या होगा, इस यूरेनियम का जो पूरा हमारे पास जो पूरा एलिमेंट है या फिर जो पूरा हमारे पास सब्सटेंस है उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, मान लिया वो एन जीरो है, वो कितने भी हो सकते हैं, वो 10,000 हो सकते हैं, 1,00,000 हो सकते हैं, 20,00,000 हो सकते हैं, 1,00,000 हो सकते हैं, कितने न्यूक्लियाई हो सकते हैं, हमने उनको नंबर दे दिया कि वो एन जीरो न्यूक्लियाई उसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखो एग्जैक्टली हम यहाँ पर प्रत्येक न्यूक्लियाई की एज निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली जो एवरेज जो लाइफ होती है वो एग्जैक्टली किस प्रकार निकाली जाती है। सिंपली देखो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, उस इमेज में देखो मान लिया आपके पास कोई भी 6 पार्टिकल है, जिनका आपको देखो पहला पार्टिकल है उसका जो आपको लाइफ है वो 5 सेकंड दिखाया गया है, दूसरा पार्टिकल उसका लाइफ आपको 10 सेकंड दिखाया गया, ऐसे कंटिन्यू आपको लाइफ दिखाई गई 6 पार्टिकल्स की। तो आप उन लाइफ्स का एवरेज कैसे निकालोगे उन पार्टिकल की एज का? सिंपली आप क्या करोगे, उनकी जितनी भी जो एज है इंडिविजुअल एज है उन सबको जोड़ोगे और उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से उसका भाग दे दोगे जो एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली एक नया मेथड हो रहा है जो मैंने नीचे कर रखा है, मैंने क्या किया कि 5 सेकंड में जितने पार्टिकल जिंदा रह रहे हैं उन पार्टिकल्स के नंबर लिख लिए, मान लीजिए 5 सेकंड के अंदर जो है वो 3 पार्टिकल जिंदा रह रहे हैं तो 5 × 3 इसे मैंने क्या किया, देखो वहां पर डेल्टा एन किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंडिकेट करता है, टी किसको इंडिकेट करता है, उसके लाइफ को इनकी कितने सेकंड तक वो जिंदा रहे, और एग्जैक्टली मैंने आगे लिखा है डेल्टा एन और डॉट टी, ये एग्जैक्टली उसकी आयु होती है। तो एग्जैक्टली आप देखोगे वहां मैंने उसको नए नजर से गुणा किया तीनों को एग्जैक्टली डिफरेंट डिफरेंट एज पर, और उन एज का मैंने अगेन मैंने क्या किया जोड़ करके मैंने उनको फाइंड आउट किया। तो मुझे क्या फाइंड आउट हुआ कि एवरेज एज जो निकालनी हो अगर तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल आयु, यानी जो अगर किसी की आयु निकालनी हो अगर तो हम क्या करेंगे, जिस पार्टिकल की आयु निकालनी है उस वो पार्टिकल और उसका जितना वो टाइम वो जीता है, तो यानी कि डेल्टा एन और डॉट टी वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, पार्टिकल की आयु कहलाती है। ठीक है, सिमिलरली देखो मैंने यहाँ पे यही लाइन लिखी है कि डेल्टा एन न्यूक्लियाई लिव्स फॉर T1 टाइम, मान लिया कि डेल्टा एन न्यूक्लियाई जो है वो T1 टाइम के लिए जिंदा रहते हैं। ठीक है, सो दैट इसलिए लाइफ ऑफ डेल्टा एन न्यूक्लियाई, यानी डेल्टा एन न्यूक्लियाई की जो आयु होगी जो उनकी होगी लाइफ होगी वो क्या होगी एग्जैक्टली डेल्टा एन डॉट T1। पता लग गया आपको मैंने डेल्टा एन डॉट T1 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिखाया था अभी सॉल्व करके। सिमिलरली मान लिया एग्जाम्पल है कि यहाँ पे दिया कि डेल्टा एन न्यूक्लियाई डीके हो रहे, देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा और एग्जाम्पल लिया है, मान लिया ये जो पूरा सैंपल है इस सैंपल में से डेल्टा एन वन न्यूक्लियाई जो है वो T1 टाइम के अंदर डीके हो जाते। ठीक है, तो उनके लिए आयु क्या होगी, डेल्टा एन वन T1, और अगर यहाँ पर जस्ट T2 टाइम के अंदर डेल्टा एन टू पार्टिकल अगर डीके होते हैं तो इसमें आयु क्या होगी, डेल्टा एन टू और T2 हो जाएगी, सिमिलर डेल्टा एन थ्री T3 और कंटिन्यू चलता रहेगा, मैंने 3 का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली मीन लाइफ का जो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली क्या होगा कि सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो जो जी रहे हैं उनका इंडिविजुअल प्रत्येक का जो आयु है उनका जोड़ है ना, और अपॉन जितने उसके अंदर प्रेजेंट पार्टिकल इनकी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट जितने भी हैं। तो सिंपली देखो यहाँ पर डेल्टा एन वन पार्टिकल डीके होते हैं T1 टाइम के अंदर, तो देखो मैंने लिख दिया T1 डेल्टा एन वन प्लस जोड़ दिया इसके आयु को जोड़ दिया, सिंपली में जोड़ता रहा और ये कंटिन्यू कहां तक जाएंगे, मान लिया कोई भी आयु तक जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे TI का मतलब है वो लास्ट टाइम जहां पर जाकर के सारे न्यूक्लियाई जो है वो डीके हो चुके, अब कोई भी न्यूक्लियाई डीके होने के लिए नहीं बचा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ देखो सम कर दिया, अपॉन देखो यहाँ पर एग्जैक्टली
ये सम ऑफ परसेंट ऑफ परसेंट ऑफ ये देखो मान लिया पहले यहाँ पे डेल्टा एन वन प्लस डेल्टा एन टू प्लस डेल्टा एन कंटिन्यू क्या करते डेल्टा एन आई तक कर दिया, तो ये जो मेरा फॉर्मूला था मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल जो है वो वे में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो एग्जैक्टली इसको एग्जैक्टली हम टोटल एक समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जोड़ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है एवरेज टाइम ठीक है मीन लाइफ जो है आपका इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मतलब सबको ऐड कर दिया है और वो ऐड कहां से कहां तक है आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आपका एन तक नंबर चल रहा है या फिर वो नंबर आई तक जहां तक भी नंबर चल रहा है ठीक है। तो यहां पे क्या होगा टी आई ये सब जुड़ गया और डेल्टा एन आई ये पूरा एक समीशन फॉर्म में आ गया जुड़ गया पूरा पूरा। और देखो एग्जैक्टली ये भी एग्जैक्टली आपका जुड़ के समीशन एक फॉर्म में आ गया ठीक है समीशन ऑफ डेल्टा एन आई के फॉर्म में आ गया। अब देखो एग्जैक्टली आप यहां पर नोटिस करो कि जो डेल्टा एन आई क्या इंडिकेट करता है आपको आपको डीके पार्टिकल इंडिकेट करते हैं। अब सोचो आप यहाँ पर कि जब प्रेजेंटली पार्टिकल डीके होना शुरू हुए थे तो स्टार्टिंग कितने पार्टिकल थे आपके एन जीरो पार्टिकल थे, तो यानी कि इन पार्टिकल की इन स्टार्टिंग जो लिमिट है वो क्या होगी आपकी एन जीरो होगी। और ये पार्टिकल कहाँ तक डीके होते हैं जब तक तो पूरे पार्टिकल डीके नहीं हो गए हो, यानी कि एन जीरो पार्टिकल स्टार्ट हुए और कब तक डीके होते रहे जब तक ये जीरो नहीं हो गए हो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मैंने यहाँ पर इस सिग्मा जो है सम है इस पर एक लिमिट लगाई है, लिमिट क्या लगाई मैंने कि डेल्टा एन पार्टिकल जब जीरो हो गए हो ठीक है, डेल्टा एन पार्टिकल जब जीरो हो गए हो तो इसका मतलब क्या हुआ सभी पार्टिकल जो है वो डीके हो गए हैं, सभी की आयु ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो मैंने क्या है समीशन जो लिमिट लगाई मैंने यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे मैंने सेम लिमिट लगाई कि डेल्टा एन पार्टिकल क्या हो जब जीरो हो जाए टेन टू क्या हो जाए जीरो पार्टिकल क्या हो जाए डीके हो जाए तो एग्जैक्टली ये समीशन हो जाएगा। और इसको एग्जैक्टली ये कंटिन्यूस है क्योंकि कंटिन्यूस क्या हो रही है डीके हो रहे हैं। जब भी कोई समीशन कंटिन्यूस हो यानी कि जहां इनिशियल पॉइंट से लेकर के अगर वो फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाता है तो वो क्या साबित होता है उस कंडीशन के अंदर वो समीशन जो होता है वो जोड़ होता है वो एग्जैक्टली हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे तो मैंने इसको टोटल फॉर्म में इंटीग्रेशन लिखा है टी टू डेल्टा एन ठीक है। और ये क्या शो करता है पार्टिकल्स की आयु को शो करता है यानी कि कहां से स्टार्ट हुए ये एन जीरो से स्टार्ट हुए और ये कब तक डीके होते रहे जब तक पूरे पार्टिकल जीरो तक डीके नहीं हो गए ठीक है। सिमिलरली यहां भी मैंने यही किया डेल्टा एन पार्टिकल्स का ठीक है कि वो एन जीरो से स्टार्ट हुए वो एन जब तक जीरो है तब तक वो डीके होते रहे तो लिमिट कहां से आई एन जीरो से जीरो तक लिमिट आई आपकी ठीक है। तो एग्जैक्टली ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया है जो हमने यहाँ पर एकदम डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिखाया। अब देखो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें डेल्टा एन की रिक्वायरमेंट है। डेल्टा एन का मतलब क्या है जो पार्टिकल डीके हुए हैं ठीक है वो हमें रिक्वायर्ड चाहिए ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए हम एग्जैक्टली हमारे जो रदरफोर्ड सोडी जो नियम होता है इसका लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है। उस नियम का हम एग्जैक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। वो नियम एग्जैक्टली आपका इस प्रकार है कि माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी यानी कि डीके पार्टिकल का समय के साथ जो रेट होता है वो माइनस शो करता है कि वो डिक्रीजिंग रेट होता है मतलब कंटिन्यूस जो है एलिमेंट हो गया होता है वो डीके होता है और वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके एन के प्रोपोर्शनल होता है और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आप क्या मिलेगा आपको लैम्डा एन की आपको एग्जैक्टली कांस्टेंट मिल जाएगा। इसको एग्जैक्टली हम सॉल्व करते हैं डेल्टा एन अपॉन एन ले लिया मैंने यहाँ से ठीक है और डेल्टा टी को मैंने इस तरफ साइन कर दिया ठीक है। अब देखिए यदि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ मैंने इसका इंटीग्रेट किया तो ये क्या होगा एल एन मतलब लॉग एन आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस आपका सी सी क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आएगा। इस सी को फाइंड करने के लिए अपन इनिशियल कंडीशन लगाते हैं वो कंडीशन क्या होती है कि जब टी इज इक्वल टू जीरो हो जब समय स्टार्ट हुआ हो जब उस वक्त क्या सारे एन पार्टिकल एन का मतलब क्या है जो पार्टिकल डीके हुए हैं ठीक है तो वो भी क्या होंगे वो सारे पार्टिकल हो जाएंगे क्योंकि एन पार्टिकल क्या उसके बराबर होंगे आपके एन जीरो के बराबर होंगे मतलब इनिशियल स्थिति में जब टाइम जीरो था तब पार्टिकल कितने थे एन जीरो पार्टिकल्स थे ठीक है। और वहां पर आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे उसको सॉल्व करोगे अगर तो आपको सी की वैल्यू ये फाइंड आउट होगी। ये एग्जैक्टली अपन इस प्रीवियस लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके हैं उस चीज को ठीक है। आप डिटेल में देखना चाहो तो आप इसको लेक्चर को ओपन करके देख सकते हैं ठीक है। अब देखिए इसको एग्जैक्टली मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे एक ये कंडीशन मिलती है सी की वैल्यू मैंने ये पुट की log n 0 इसको मैंने इधर सेंड किया तो ये log n माइनस log n 0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t हो जाएगा। और यहां से जब एग्जैक्टली log ये log का एक वो फार्मूला होता है कि जब वो माइनस में हो तो हमेशा बटा में आ जाते हैं ठीक है। और यहां से मैं एग्जैक्टली इसको इधर ट्रांसफर करता हूं तो एग्जैक्टली क्या होगा ये एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा और n की वैल्यू मुझे एग्जैक्टली फाइंड आउट हो जाएगी ठीक है। ये एग्जैक्टली रदरफोर्ड सोडी नियम कहलाता है जो एग्जैक्टली हम ऑलरेडी पहले पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन के मैंने आपको बताया एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या मुझे डेल्टा एन चाहिए ठीक है।
तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो मैं यहां पे डिफरेंशिएट करता हूं डेल्टा n, तो मुझे क्या होता है एग्जैक्टली n 0 इज इक्वल टू फाइंड आउट होगा, इसका इंटीग्रेशन एग्जैक्टली ऐसा वैसा ही होगा, और जब इसके अंदर का इंटीग्रेशन आप करोगे तो एग्जैक्टली क्या होगा माइनस लैम्डा आपका बाहर आ जाएगा, सिंपल एक इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहां से डेल्टा t आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली आप नोटिस करोगे कि डेल्टा n मतलब जो पार्टिकल डिके हो रहे हैं इसके अंदर एग्जैक्टली माइनस आ रहा है, लेकिन मेथड के लिए हमें इसको एग्जैक्टली यहां पुट करना है। ये माइनस सिंबल केवल शो करता है कि वो डीके हो रहा है, डीके हो रहा है, बस इतना सा ही शो करता है, इसका एग्जैक्टली फिजिकली मीनिंग यही होता है। तो एग्जैक्टली हम डेल्टा एन को हम क्या करेंगे मोड में ले लेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली। तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये माइनस सिंबल होगा एग्जैक्टली वहां से गायब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मुझे डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, मुझे ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस वैल्यू को मैं यहां एग्जैक्टली पुट करूंगा। अब यहाँ देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे वही किया है, एन जीरो से लिमिट जीरो तक है, और यहाँ पर मैंने टी को ऐसे रखा है एग्जैक्टली, और यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू को एग्जैक्टली मैंने यहाँ से पुट किया है, ठीक है। इस वैल्यू को एग्जैक्टली सिमिलर पुट कर रखा है, नीचे भी एग्जैक्टली यही वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक दिख रहा है आपको एग्जैक्टली एन एन जीरो ई के पावर माइनस लैम्डा टी डेल्टा टी पुट हो जाएगी। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे लैम्डा और एन जीरो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली क्या होगी बाहर आ जाएगी, तो ऊपर और नीचे दोनों बाहर आ जाएगी, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब देखो एग्जैक्टली सिंपल ये एक मैथमेटिकल इंटीग्रेशन बचा है ना, इंटीग्रेशन टी डॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी डेल्टा टी और ई के पावर माइनस लैम्डा टी डेल्टा टी। आप एक तरह नोटिस कर रहे हैं एग्जैक्टली कि यहां मैंने हल्की सी लिमिट को चेंज कर दिया है, मैंने लिमिट को चेंज इसलिए किया है क्योंकि यहां जो लिमिट लग रही थी वो डेल्टा एन के रेस्पेक्ट में लग रही थी, ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लग रही थी, लेकिन यहां जैसे मैंने इस वैल्यू को यहां पर पुट किया तो ये लिमिट चेंज होगी डेल्टा टी की वजह से, क्योंकि अब डिफ्रेक्शन किस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो मेरी लिमिट होगी वो किसके रेस्पेक्ट लगेगी, टी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एन जीरो पार्टिकल डीके स्टार्ट हुआ था और वो कहां तक गया, जीरो तो गया, यानी कि एन यहां पर टाइम क्या हुआ, टाइम कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, और वो पार्टिकल जब पूरे डिसइंटीग्रेट हो गए, ठीक है, जब एन जीरो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो गए, जीरो हो गए, तब कितना टाइम लगा, वो मान लिया कितना टाइम लग सकता, मान लिया इन्फिनिट टाइम लगा उसमें, तो उसकी लिमिट क्या होगी, t is equal to 0 से स्टार्ट होगा और इनफिनिटी तक चलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो यहां पर मैंने 0 से इनफिनिटी की लिमिट लगाई मैंने यहां पे, ठीक है, और दोनों में लिमिट एग्जैक्टली मैंने चेंज कर दी यहां पे, ये मैथमेटिकल फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मुझे इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, उसकी वैल्यू को पुट करना है, मेरा पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मैंने क्या किया, इसका पहले एग्जैक्टली मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, देख रहा हूं नीचे आपको एग्जैक्टली ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एग्जैक्टली, वो होगा e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, ठीक है, और एग्जैक्टली इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगी, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट। मैं जब इसकी लिमिट पुट करता हूं तो क्या होगा एग्जैक्टली, वो होगा एग्जैक्टली e की पावर माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को गुणा करो सब इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर देखो माइनस लैम्डा एग्जैक्टली यहीं पर रहेगा और माइनस माइनस और लिमिट क्या होगा, जीरो है ना, e की पावर जीरो, ठीक है। एग्जैक्टली e की पावर माइनस इनफिनिट की वैल्यू जीरो होती है और e की वैल्यू जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, ठीक है, तो एग्जैक्टली माइनस वन से क्या होगा एग्जैक्टली आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका वन अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये वैल्यू एग्जैक्टली आपको इस इंटीग्रेशन की फाइंड आउट होगी। अब देखते हैं एग्जैक्टली सेकेंड इंटीग्रेशन को लेकर, ठीक है, देखो एग्जैक्टली सेकेंड इंटीग्रेशन के लिए अपन जो यूज करेंगे मेथड वो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है, वो भी लिमिट वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, ठीक है। देखो यहाँ पर वो फॉर्मूला एग्जैक्टली इस प्रकार होता है, इंटीग्रेशन लिमिट है ए से बी तक की, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, यू का और डेल्टा वी का इंटीग्रेशन हो रहा है, वो किस प्रकार इंटीग्रेशन होता है, यू और वी दोनों पर लिमिट लगती है ए से लेके बी तक, माइनस इंटीग्रेशन ए से बी और वी और डेल्टा यू, इस प्रकार इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर एग्जैक्टली हम हमारे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखो हमारे फंक्शन में भी लिमिट है जो जीरो से लेके इनफिनिट तक जा रही है, यहाँ ए से बी तक जा रही है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर यू है आपका, तो एग्जैक्टली मेरा यहाँ पहला फंक्शन क्या है, टी है, यानी कि यहाँ पर जो मेरा यू किसके बराबर होगा, टी के बराबर होगा। सेकंड मुझे क्या चाहिए, डेल्टा वी चाहिए, तो डेल्टा वी एग्जैक्टली, ठीक है, ये देखो डेल्टा वी किसके बराबर होगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी और डेल्टा टी के बराबर होगा। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन जब करूंगा तो क्या देगा मुझे,
वी क्योंकि डिफरेंशियल है। अब देखो एग्जैक्टली इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस लैम्डा टी और डेल्टा टी, इसका इंटीग्रेशन करते क्या होगा, मुझे v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी क्योंकि डेल्टा v की वैल्यू एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, ये एग्जैक्टली ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली हमें बस यहां पर वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, देखो ये इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन ठीक है पाई पार्ट द्वारा होगा, तो पहले हमें क्या चाहिए, u चाहिए पहले हमें। ठीक है, u होगा आपके t के बराबर। ठीक है, तो ये देखो एग्जैक्टली आपका यहां पर t रख दिया मैंने u की जगह, फिर क्या चाहिए आपका एग्जैक्टली, मुझे v चाहिए ना, तो v की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट किया मैंने, e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा। ठीक है, मैं एग्जैक्टली इसको पुट कर देता हूं, e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन ठीक है आपका क्या होगा माइनस लैम्डा। ठीक है, और इसके ऊपर एग्जैक्टली क्या लगा दी गई है, लिमिट लगा दी गई है ना, वो कहां से लगा दी, ए से बी तक, अपने क्या जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक मैंने यहां पर लिमिट लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइनस है आपका। ठीक है, और एग्जैक्टली देखो यहां पर इंटीग्रेशन लग रहा है सिमिलर, ये इंटीग्रेशन जीरो से लेके आपका एग्जैक्टली इनफाइनाइट तक है ना, और वी वी की वैल्यू जैसे अभी क्या है, ये है यहां पे ठीक है ई की पावर माइनस लैम्डा टी और अपॉन आपका माइनस आपका लैम्डा। ठीक है, और ये लैम्डा है ठीक है आपका है ना, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी के बराबर है, यानी ये डेल्टा टी के बराबर है, ये एग्जैक्टली हमारा फंक्शन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली अपने यहां पर इंटीग्रेशन जीरो से लेके इनफाइनाइट ठीक है टी डॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी है और डेल्टा टी है, वो एग्जैक्टली क्या होगा, यहां देखो एग्जैक्टली इसको एग्जैक्टली ऐसे कैसे रखता हूं, जैसे मैं इसको मुझे इसका इंटीग्रेशन भी करना है, देखो यहां पर क्या होगा टी आपका डॉट आपका है ना e के पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन आपका माइनस लैम्डा और लिमिट लग गई जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, और देखो यहां इंटीग्रेशन, यहां क्या एग्जैक्टली माइनस है, ये माइनस है e के पावर माइनस लैम्डा टी और डेल्टा टी का इंटीग्रेशन एग्जैक्टली अपन यहां पे कर रखा है, वो किसके बराबर है e के पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, तो यानी यहां माइनस लैम्डा और आ जाएगा, तो माइनस लैम्डा माइनस में क्या होगा आपका प्लस लैम्डा हो जाएगा एग्जैक्टली आपका। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका माइनस ठीक है और वो हो जाएगा आपका e की पावर है ना माइनस लैम्डा टी अपॉन आपका लैम्डा इसको है और एग्जैक्टली लिमिट होगी जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। अब एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं करना, हमें एग्जैक्टली पुट करना है ठीक है जीरो से लेके इनफाइनाइट ठीक है टी डॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी और डेल्टा टी ठीक है इज इक्वल टू, यहां देखो एग्जैक्टली मैं क्या लिखूंगा, यहां पर पहले इंफिनिटी में लगाऊंगा टी की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली आपकी इंफिनिटी हो जाएगी डॉट आपका, यहां देखो e की पावर माइनस इंफिनिटी ठीक है और यहां पर माइनस लैम्डा ठीक है और यहां देखो फिर क्या होगा जीरो लगेगा तो यहां पर माइनस आपका जीरो ठीक है जीरो का मतलब क्या हुआ टी की वैल्यू जीरो रखी जाएगी यहां पर फिर e की पावर जीरो है ना, ये एग्जैक्टली पहला हो गया माइनस ठीक है आपका जो नेक्स्ट वाला ये है ठीक है मैं इसको नीचे लिख देता हूं ठीक है ये क्या होगा एग्जैक्टली आपका ये होगा एग्जैक्टली आपका e की पावर माइनस इनफाइनाइट है ना और माइनस e की पावर जीरो और अपॉन क्या होगा आपका लैम्डा स्क्वायर और एग्जैक्टली क्या ये माइनस चल रहा है ठीक है ये कंटिन्यू माइनस चल रहा है। अगर एग्जैक्टली इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ इनफाइनाइट लगा हुआ है तो ये पूरा बोर्ड e की पावर e की घात माइनस इनफाइनाइट जो होगा वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका जीरो के बराबर होता है एग्जैक्टली आपका तो ये पोर्शन क्या हो गया जीरो हो गया और यहाँ देखो एग्जैक्टली यहाँ पर माइनस लैम्डा और रहेगा ठीक है और यहाँ e की पावर जीरो वन होगा लेकिन यहाँ पे जीरो से गुणा हो रहा है तो क्या होगा एग्जैक्टली ये भी जीरो हो जाएगा एग्जैक्टली आपका तो यहाँ पर ये पूरा पोर्शन क्या हो गया जीरो हो गया आपका अब ये बचा माइनस वाला पोर्शन ठीक है अब देखो e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगा आपका जीरो होगा आपका तो एग्जैक्टली ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा ये देखो e की पावर जीरो का मतलब क्या होगा वन होगा तो यहाँ क्या बचेगा माइनस वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर बचेगा जब माइनस बाहर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या बचेगी एग्जैक्टली आपकी वन अपॉन आपकी लैम्डा स्क्वायर वैल्यू बचेगी ठीक है तो एग्जैक्टली देखो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास इस इंटीग्रेशन में जो यहाँ काम में आएगा उसकी वैल्यू भी आ गई और जो इंटीग्रेशन यहाँ काम में आएगा उसकी वैल्यू एग्जैक्टली अपने को फाइंड आउट हो गई हमें क्या करना है कि वैल्यूज को पुट करना है ठीक है तो एग्जैक्टली इसको यहाँ से अवॉइड करते हैं सीधा यहाँ लेते हैं ठीक है आपका टी टाउ ठीक है जो आपका टी टाउ होगा एग्जैक्टली वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका ये दोनों कैंसिल आउट हो गया इसकी वैल्यू क्या आई है वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर ठीक है और इस इंटीग्रेशन वैल्यू क्या है एग्जैक्टली आपकी 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन आपकी लैम्डा
ठीक है, और एग्जैक्टली इसको आप एग्जैक्टली सॉल्व करो तो लैम्डा स्क्वायर नीचे आएगा, लैम्डा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा आपका, तो इसका सॉल्यूशन आएगा एग्जैक्टली 1/ आपका लैम्डा। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो मीन लाइफ टाइम होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, 1/ लैम्डा के बराबर होता है। 1/ लैम्डा का मतलब क्या, लैम्डा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे डीके कांस्टेंट जो है वो एग्जैक्टली आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो, अब देखो एग्जैक्टली इस मीन लाइफ टाइम को हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली छोटा सा एक रिलेशन और होता है हाफ लाइफ टाइम के साथ में। ठीक है, वो क्या होता है, वी नो दैट हाफ लाइफ ऑफ टाइम ऑफ रेडियट डीके, जो हाफ लाइफ टाइम होता है डीके का, वो एग्जैक्टली क्या होता है, फॉर्मूला एग्जैक्टली हमको पता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, T1/2 = ln, मतलब log 2/ लैम्डा, समटाइम इसको 0.693 लैम्डा भी लिखते हैं। तो एग्जैक्टली देखो इन दोनों रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको पता है कि टी टाउ की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है एग्जैक्टली आपकी 1/ आपकी लैम्डा होती है एग्जैक्टली होगा। तो टी हाफ में देखो एग्जैक्टली ये टी हाफ जो है वो किसके बराबर होगा, वो आपका एल और आपका एन 2 के बराबर होगा, और जो 1/ लैम्डा होगा, ठीक है, देखिए क्या ये 1/ लैम्डा है वो किसके बराबर होगा, वो टाउ के बराबर होगा। तो एग्जैक्टली आप यहां पर क्या कर सकते हो, मीन लाइफ टाइम टाउ लिख सकते हो। तो इसी आपको क्या फाइंड आउट होगी कि आपको ये फाइंड आउट ये हुआ कि हाफ लाइफ के द्वारा भी आप मीन लाइफ टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं, और मीन लाइफ के थ्रू भी आप हाफ जो लाइफ टाइम है उसको एग्जैक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली आज के इस रिलेशन में हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने मीन लाइफ टाइम जो होता है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का वो एग्जैक्टली फाइंड आउट किया, और वो भी एग्जैक्टली पूरे फुल डेरिवेशन के साथ में। थैंक यू।